दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। माय व्लॉग चैनल SVN07 में आप सभी का बेहद सहर स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ दोरनापाल से कोंटा की ओर। दोरनापाल से कोंटा की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है और ये आप देख सकते हो यहाँ पर बीच में छोटे छोटे गांव मिलेंगे। पहले तो रोड बहुत ही ख़राब था, अभी इस रोड के बन जाने से लोगों को काफ़ी सुविधा हो चुकी है आने जाने में। आप देख सकते हो ये नेशनल हाईवे 30 है जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ से कोंटा की दूरी लगभग 45 किलोमीटर और वहाँ पर आंध्र बॉर्डर को जोड़ता है गाइस, तो आप वीडियो में बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसको देखते हैं आगे का रोड। ये आप देख सकते हो ये ग्रामीण इलाका है, बढ़िया सब छोटे छोटे मकान बने हुए हैं भाई, आप लोग देख सकते हो इधर। We'll be right back.
गाइस ये आप देख सकते हो, ये रब हो रहे, यहाँ पर कुछ वाहनें रुकी हुई है। रोड तो बढ़िया मस्त है भाई। खासकर आप लोगों को ये बता दो कि हर एक 5 किलोमीटर के अंदर में कैंप लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इधर थोड़ा नक्सरे इनसे घटनाएं भी होती रहती है। आप देख सकते हो यहाँ पर शहीद जवानों के मूर्तियाँ भी हैं साइड में, जो उनकी परिवार बनाया गया है। गाइस वीडियो में बने रहिए। भाई साहब देख सकते हो अभी हम लोग इंद्रम पहुंच चुके हैं। ये देखिए इधर साइड में कलकल बहती सबरी नदी, बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। आप देख सकते हो अभी पानी थोड़ा कम है। अगर आप कभी इस रास्ते से आएंगे तो इधर सबरी नदी भी देखने को मिल सकता है भाई। ये आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा देखने लायक बनता है। ये देखिए ताड़ के वृक्ष, बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा भाई। आप देख सकते हो ताड़ के वृक्ष बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। लोकल बोली में इसको ताड़ का पेड़ कहा जाता है। गाइस ये देख सकते हो इधर
बहुत ही खूबसूरत है, हर जगह दूर दूर तक ताड़ के वृक्ष नज़र आएंगे। जहाँ पर नज़र जाएगा वहाँ तक का आप देख सकते हैं। इधर अभी कोंटा भी पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हो इधर, वेलकम टू कोंटा। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा गौरव पथ बना दिया गया है, और छत्तीसगढ़ का आखिरी गांव कोंटा ये आप देख सकते हो, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यहां से कोंटा बॉर्डर। ये देख सकते हो यहां पर कोंटा बस स्टैंड है, यहां पर बसें लगी हुई है, देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सा है बस स्टैंड कोंटा का, देखने लायक है। ये देखिए ब्यूटीफुल नज़ारा, यहाँ पर यात्री लोग आके रुक सकते हैं। इधर पीछे साइड में सुलभ शौचालय, बहुत ही क्यूट जगह है भाई। यहाँ पर टैक्सी ऑटो भी खड़ी हुई है जो आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा। ये कोंटा का पूरा बस्ती है और कोंटा बस स्टैंड है आप देख सकते हैं। और इधर कुछ ही दूरी आगे जाने पर ये मोल्लापल्ली जाने का रास्ता है जो आप देख सकते हो। इधर बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है। गाइस अभी आगे की ओर जाते हैं जो आप लोगों को आंध्र बॉर्डर दिखाने वाले हैं। इधर कोंटा, इधर का आंध्र, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। गाइस आप देख सकते हो उधर आगे में जो दिख रहा है वो आंध्रा का गांव है, इधर अपना कोंटा छत्तीसगढ़ का ही आप देख सकते हो, यहाँ कुछ ही दूरी पर लगा हुआ है आंध्रा। दोस्तों अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, आप लोग देख सकते हो इधर पीछे साइड में आंध्रा बस खड़ी हुई है। ये आप देख सकते हो पीछे साइड में इधर पूरा आंध्रा, इधर अपना छत्तीसगढ़ है। जिस जगह पर खड़ा हूँ मैं इधर एक साइड में छत्तीसगढ़, दूसरे और आंध्र प्रदेश है भाई, आप लोग देख सकते हो।